दोस्तों अगर आप भी देखना चाहते हैं सैफ अली वर्मा के बल्लेबाजी का पूरा हाईलाइट तो आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों आज खेला गया WPL का दूसरा मुकाबला। ये जो दूसरा मुकाबला था ये RCB वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच में था। इस WPL के सेकंड मैच में सैफ अली वर्मा का तूफान आया। सैफ अली वर्मा ने अपने इस पारी के दौरान काफी लंबे लंबे छक्के भी लगाए और उसी में से सैफ अली वर्मा का एक छक्का तो काफी ही लंबा था। सैफ अली वर्मा का साथ देते हुए मैगलानी ने भी शानदार पारी खेली। दोनों ही खिलाड़ियों ने शानदार बैटिंग कर इस WPL में एक इतिहास रच दिया। तो हम इस RCB वर्सेस DC के मैच का आपको पूरा हाईलाइट वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम आपको बिना किसी देरी के विस्तार से बताते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 4 तारीख से शुरू हो चुका है WPL। WPL बोले तो वुमेन्स प्रीमियर लीग। जो WPL है ये सेम IPL की तरह ही है। दोस्तों इसी WPL का आज दूसरा मुकाबला खेला गया। इस WPL का आज जो मुकाबला था ये RCB वर्सेस DC के बीच में था और जो कि ये मैच काफी ही रोमांचक मैच हुआ। शुरू से ही इस मैच में काफी हवाई शॉट देखने को मिला। तो मैं आपको बता दूं कि इस दूसरे WPL मैच के मुकाबले का टॉस जीता रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने और पहले बॉलिंग करने का निर्णय लिया। RCB का ये निर्णय बेहद ही खराब निकला। दिल्ली कैपिटल की तरफ से ओपनिंग करने आई सैफ अली वर्मा और ऑस्ट्रेलियाई ओपनर मैगलानी ने काफी शानदार पारी खेली। दोनों ही ओपनर शुरू से काफी लंबे लंबे शॉट खेलने लगे। दोस्तों सैफ अली वर्मा शानदार बैटिंग करते हुए अकेले ही 45 गेंदों में 88 रन बना दिए। इस दौरान सैफ अली वर्मा ने काफी लंबे लंबे चौके और छक्के लगाए। इसी बीच सैफ अली वर्मा के एक छक्का इतना लंबा था जिसे देखकर सब लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए। लेकिन दोस्तों सैफ अली वर्मा की इस पारी की काफी ज्यादा काबिलियत तारीफ करने वाली होगी। सैफ अली वर्मा का साथ देते हुए मैगलानी ने भी शानदार पारी खेली। मैगलानी शानदार बैटिंग करते हुए दिल्ली कैपिटल्स के लिए पहले ही मैच में 72 रन जोड़ डाले। दोस्तों इन्हीं दोनों शानदार ओपनर की शानदार बैटिंग की वजह से दिल्ली कैपिटल्स की टीम 20 ओवर में 223 रन बना लेती है। दोस्तों ये 223 रन WPL का सबसे हाईएस्ट स्कोर बन चुका हुआ है। पहले मुंबई इंडियंस की टीम ने बनाया था जो कि 207 रन था और अभी दिल्ली कैपिटल्स ने शानदार बैटिंग करके 223 रन का सबसे बड़ा स्कोर बना दिया। इसका पूरा श्रेय जाता है सैफ अली वर्मा और मैगलानी को। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब तक ये दोनों खिलाड़ी क्रीज पर मौजूद थे तब तक चौके ही छक्के लग रहे थे और कोई बस इन दोनों की तारीफ ही किए जा रहा था। दिल्ली कैपिटल्स इतना शानदार स्कोर बनाने के बाद फिर बॉलिंग करने आती है। बैटिंग करने आए RCB की टीम की शुरुआत तो काफी अच्छी खासी रही। RCB की टीम ने तो 4 ही ओवर में 40 रन बना डाले जो कि 223 रन चेज करने का काफी परफेक्ट स्टार्ट था। लेकिन फिर जिसके बाद RCB टीम का विकेट गिरना स्टार्ट हो जाता है और फिर RCB टीम का एक के बाद एक विकेट गिरने लगता है और फिर जिसके बाद RCB की टीम 160 रन के अंदर ही ऑल आउट हो जाती है। दोस्तों आज दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने बल्लेबाजी तो ठीक ठाक की ही साथ ही गेंदबाजी में बहुत बड़ा दमखम दिखाया। RCB की टीम को ये पूरे 66 रनों से मैच को हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने अपनी इस WPL की शुरुआत जीत के साथ की हुई है। बहरहाल दोस्तों इस मैच में जो सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग रहा वो था सैफ अली वर्मा की पारी। सैफ अली वर्मा और मैगलानी की पारी जो थी वो काफी ज्यादा सराहनीय थी। साथ ही दोनों की बल्लेबाजी की वजह से आज DC की टीम ये मैच जीत पाई। लेकिन दोस्तों लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि सैफ अली वर्मा की जितनी तारीफ किया जाए उतना ही कम है। सैफ अली वर्मा एक धाकड़ प्लेयर है। दोस्तों अगर आप भी देखना चाहते हैं सैफ अली वर्मा के बल्लेबाजी का पूरा हाईलाइट तो आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों आज खेला गया WPL का दूसरा मुकाबला। ये जो दूसरा मुकाबला था ये RCB वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच में था। इस WPL के सेकंड मैच में सैफ अली वर्मा का तूफान आया। सैफ अली वर्मा ने अपने इस पारी के दौरान काफी लंबे लंबे छक्के भी लगाए और उसी में से सैफ अली वर्मा का एक छक्का तो काफी ही लंबा था। सैफ अली वर्मा का साथ देते हुए मैगलानी ने भी शानदार पारी खेली। दोनों ही खिलाड़ियों ने शानदार बैटिंग कर इस WPL में एक इतिहास रच दिया। तो चलिए दोस्तों हम आपको विस्तार से बताते हैं। तो आज खेला गया WPL का दूसरा मुकाबला। WPL का जो मुकाबला था वो RCB वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच में। दोस्तों ये मुकाबला बेहद ही रोमांचक मुकाबला हुआ। इस मैच का टॉस जीता RCB वुमेन्स ने और पहले बॉलिंग करने का निर्णय लिया। बैटिंग करने आए दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने काफी शानदार बैटिंग की। इसी शानदार बैटिंग के चलते दिल्ली कैपिटल्स ने पूरे 20 ओवर में 221 रन बना डाले जो कि ये WPL का सबसे हाईएस्ट स्कोर बन चुका हुआ है। दोस्तों इस दौरान जो सबसे ज्यादा बढ़िया खेली वो थी सैफ अली वर्मा। अली वर्मा शानदार 45 गेंदों का सामना करते हुए 84 रन बना डाली। इस दौरान सैफ अली वर्मा ने काफी लंबे लंबे छक्के लगाए हैं। सैफ अली वर्मा का जो साथ दी थी वो थी मैगलानी ने भी अपनी टीम के लिए 72 रन बनाए। लेकिन दोस्तों जो काबिली तारीफ करनी होगी वो सैफ अली वर्मा की होगी। सैफ अली वर्मा ने इतना शानदार पारी खेलकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया।